हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बल्लू बैंटी। फ्रेंड्स, आज हमारे पास टैगो है 2017 का। ये देखिए 2017 का रेवट्रॉन इंजन पेट्रोल सीएनजी। इधर से बाहर से फिटिंग किया है। ये देखिए सीएनजी का पाइप देख सकते हैं। आज इस गाड़ी का मैं फ्यूज बॉक्स के बारे में डिटेल्स बताने वाला हूँ। इसका डिटेल्स देखने के लिए देखिए फ्रेंड्स, मैं फ़ोटो कम्युनिटी टैब में फ़ोटो डालूँगा। उसका लिस्ट भी है, देखिए इसका ये फ्यूज बॉक्स का डिटेल्स है। फिर भी इसमें जो शॉर्टकट रहते हैं बच्चे लोगों को समझ में नहीं आता, तो इसका मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ ताकि आप लोग को ईजी पड़े देखने के लिए। ये देखिए सबसे पहले ये सब छोटे फ्यूज बोलते हैं इसको, और ये बड़े फ्यूज़ है। ये छोटे रिले माइक्रो रिले बोलते हैं, और ये मिनी रिले है क्योंकि इसमें और भी बड़े रिले आते हैं। ये मिनी रिले, ये माइक्रो रिले है फ्रेंड्स, और ये छोटे छोटे फ्यूज़ हैं। तो इसका डिटेल्स मैं तुमको बताता हूँ। ये ऐसा कि देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बैटरी के पास सामने से ऐसे आएंगे, ये बैटरी इसके बाजू में, तो ये राइट साइड से लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए ये इसका मेन वायर है जो फ्यूज़ बॉक्स में अंदर आता है मेन वायर। इधर एक फ्यूज़ आता है दूसरे गाड़ी को, इसको नहीं है, जो अल्टरनेटर का बोल के दिखाएगा अल्टरनेटर का। और फ्रेंड्स, ये जो पहला फ्यूज़ है, ये बड़ा फ्यूज़ 60 एम्पेयर का है, ये इग्निशन का है, ये ABS का है फ्रेंड्स। और फिर दूसरा इधर ग्लो प्लग का है, लेकिन इसमें नहीं है, ये पेट्रोल इंजन है तो इसको ग्लो प्लग का फ्यूज़ नहीं है इधर, क्योंकि पेट्रोल इंजन में नहीं आता है। फिर ये 40 का है रेडिएटर का फैन। फिर ये जो पावर स्टेयरिंग है, ई पास बोलते हैं, वो है पावर स्टेयरिंग। और फिर फ्रेंड्स इसके बाद ये आगे ये बैटरी का है, और ये UBFR बॉक्स बोल के ये फ्यूज़ है, ये भी इग्निशन का, ये एक टाइप का। और ये देखिए इग्निशन लोड है जो एक्स्ट्रा आता है, ये TCU का है, 30 एम्पेयर का बड़ा फ्यूज़। और ये जो छोटे छोटे फ्यूज़ है, ये एक्स्ट्रा फ्यूज़ है जो स्पेयर में आते हैं एक्स्ट्रा यूज़ करने के लिए। और अभी रिले के बात करते हैं, ये माइक्रो रिले। ये देखिए इधर एक खाली है, ये जो खाली है ये है फ्रंट फोक लैंप का, जो इसको नहीं दिया गया कंपनी की तरफ से, इसके लिए रिले नहीं है। और ये जो आता है ये हेडलाइट लो बीम है, और ये AC क्लच का है, AC कंप्रेसर का, और ये हेडलाइट हाई बीम का है फ्रेंड्स। और बाद में से ये रिले के पास आते, ये AMS का रिले मतलब ECU कंट्रोल का, और ये हॉर्न का रिले है फ्रेंड्स। और बाद में से ये छोटे फ्यूज़ के पास आते हैं। ये देखिए ये छोटे फ्यूज़ के बारे में बताता हूँ तुमको। ये जो लाल वाला फ्यूज़ है 10 एम्पेयर का, ये कंप्रेसर का है, ये स्टार्टर सोलनाइड का है, ABS प्लस ECU है 25 एम्पेयर का, बीच में गैप है। ये हॉर्न का है 15 एम्पेयर का। और इसके बाद ये फ्रंट फोक लैंप का खाली है फ्रेंड्स। और इसके बाद ये TCU का है, और ये फ्यूल पम्प का है 10 एम्पेयर का। और इसके बाद स्टॉप लैम्प का मतलब ब्रेक लाइट का। और इसके बाद ये आ रहा है रिले कॉइल। और फ्रेंड्स ये दो खाली है जो रिले और स्पेस है बीच में। और ये फ्रंट वाइपर का है, वॉशर और वाइपर दोनों एक ही। और ये 5 एम्पेयर का ABS का है, क्योंकि ये गाड़ी को ABS है। और ये प्लस इधर एक MT है जो फ्रंट वॉशर दो दिया है। ये TCU का है, TCU 10 एम्पेयर का है। और फ्रेंड्स ये बीच में रिवर्स ब्रेक लैम्प का ये MT है, और रियर वाइपर का दिया है ये 10 एम्पेयर का फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये बड़ा रिले का इधर एक मिनी रिले जो है इसका इधर नहीं है, क्योंकि इधर एक्स्ट्रा दिया है उन्होंने। और जो इसके बाजू में पहला रिले है ये रेडिएटर फैन का है, ये इग्निशन रिले का है, ये फ्रंट वाइपर का है, स्पीड जो कंट्रोल करता है वो है। बाद में से ये छोटे छोटे बॉक्स में आते हैं। देखिए हमने ये सब बता दिया है फ्रेंड्स, ये जो वाला डिटेल से मैंने बता दिया। अब ये डिटेल्स में आएंगे, क्योंकि आपके लोग के पास ये सब कवर नहीं रहेगा, इसका डायग्राम नहीं रहेगा डिटेल्स, तो आप लोग को नहीं आएगा देखने के लिए। मैंने अब ये सब बता दिया आपको, और अभी मैं इसका बता दूंगा। ये देखिए ये छोटा रिले जो है ये फ्यूल पम्प का है, और इधर MTG है। और इसके बाद ये जो ब्लू वाला है ये फ्रंट रिले इंस्टेंट वाला है जो रुक रुक के चलता है। और ये स्टार्टर रिले है फ्रेंड्स, ये स्टार्टर रिले है। और इसके बाद अभी बात करेंगे ये साइड के,
ये है वॉशर रिले, वाइपर रिले, ये भी वाइपर का रिले फ्रंट सीट का, और ये स्टार्टर टू रिले है क्योंकि ये स्टार्टर स्टार्टर टू, ये वन और ये टू है। और फ्रेंड्स ये लास्ट में जो आता है ये फैन, रेडिएटर फैन का स्लो वाला है। और ये जो ये आता है एक्चुअली ये फ्यूज़ फुलर है, देखिए इससे हम लोग फ्यूज़ निकल सकते क्योंकि फ्यूज़ निकालने के लिए दिया गया है, तो फ्यूज़ फुलर इधर इसके बाजू में आता है। और इसके बाद ये 20 एम्पियर का जो है ये EMS सप्लाई का है, मेन EMS का। उसके बाद 15 एम्पियर का जो आ रहा है ये ऑल सेंसर प्लस ECM का भी रिले का है। और इसके बाद ये पेट्रोल इंजेक्टर का है, ये MT है फ्रेंड्स। इसके बाद ये हेडलाइट हाई बीम लो बीम का है और ये पूरा MT है। और लास्ट में हेडलाइट हाई बीम का है, ये लो बीम का है। तो ये दोनों हो गए, ये सब हो गए फ्रेंड्स। ये पूरा डिटेल्स फ्रेंड्स मैंने आप लोग को बता दिया है क्योंकि आप लोग बोल रहे थे कि हम लोग के लिए ऐसा वीडियो बनाओ क्योंकि डिटेल्स आपको चाहिए था, तो मैं ये बना रहा हूँ आपको। जैसे जैसे मेरे पास गाड़ी आता है तो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो वीडियो पूरा देखना फ्रेंड्स, वीडियो भगाना मत, नहीं तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। और जो भी चाहिए फ्रेंड्स मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाते रहता हूँ, लाता हूँ, तो आप लोग देखना। अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाते लाइक करते, शेयर करते, सब्सक्राइब करते, तो मैं आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना। अभी मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।